अरे जिन मुसलमानों की बात कर रहे हो वो तुम्हारे दामाद है, सबसे ज्यादा जिसके पठान के अभी विरोध हुआ था, पठान के घर में कौन है, पंडतानी है ना गौरी, बताइए। और जो जिसने बिकनी पहनी है वो पादुका कौन, वो भी पंडतानी है। अरे तुम कौन हो भाई, ओबीसी वाले घंटा बजाने वाड़ो, तुम पर तुम्हारे बुद्धि पर पर्दे पड़ गए हैं, तुम्हें क्या लेने देना फिल्म से यार, उससे बताइए आप तुम्हारा क्या मतलब है उससे। फिल्म सेंसर में वो बीजेपी वाले बैठे पास करने वाले, जो चलाने वाले हैं वो पंडित, तुम क्या ले रहे हो भी वहां, तुम्हारा क्या बट रहा। अरे तुम भूखे नंगो, तुम्हें कंगाल कर दिया इन्होंने, तुम्हारी इनकी सोच ने तुमको, तुम्हें बर्बाद कर देना है, तुम्हारे अधिकारों को छीन छीन के रक्षा कर रहे हैं ना, भगवा की रक्षा, क्या भगवा की रक्षा कर रहे हो ऐसे, भगवा दड़ी उठाने वाले, उनकी उसमें झंडे को लेने वाले, मरने वाले तुम, गाली कलौज खाने वाले तुम, आतंकवादी तुम घोषित कर रखे उन्होंने, उनकी लड़ाई तुम लड़ते हो, मंदिरों की लड़ाई तुम लड़ते हो, देवी देवताओं की लड़ाई तुम लड़ते हो, मिलता कुछ नहीं है तुम्हें, तुम्हारे हिस्से की सारी मलाई को मार के खा गए हैं, केवल हिंदू की मोहर लगा दी है कि आप हिंदू हो, केवल नौकरी मांगने का काम करते हैं तो यही सरकार उन पर लठ बजाने का काम करती है। और जब वही ओबीसी वाले जब कांवड़ सावन के महीने में कांवड़ लेके आते हैं तो यही योगी सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बिखेरने का काम करती है, खुद राजा बनने में जोर पड़ रहा है ओबीसी वालों को, पंडित मात्र 3% है, सारा इलाका गुजरों का, महेश शर्मा को देख लो वहां वो बना रखा है एमपी सांसद बना रखा है, इन गुजरों पे खुद वहां का ना एमएलए बना जा रहा, ना इन गुजरों पे वहां पे खुद एमपी बना जा रहा, तो मूर्ख कौन है बताइए, ओबीसी वाले मूर्ख है, काउंसलर बने ना चेयरमैन बने ना प्रधान बने, आने वाले समय में आप प्रधान ना बनोगे, समिति के अध्यक्ष भी ना बनोगे, लेकिन ओबीसी वाले फिर भी समझ नहीं रहे, केवल हिंदू की मोहर लगी हुई है। और सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने वाला ओबीसी है, क्योंकि अनपढ़ आदमी कुछ जानता है नहीं, क्योंकि पूर्वज ज्यादा जागरूक थे, आज का जो ओबीसी है वो जागरूक नहीं है, देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा ओबीसी वालों का हाथ था, राजा ओबीसी वाले थे सबसे पहले जितने भी थे, अरे अपने पूर्वजों की तो कम से कम शर्म करो जिन्होंने देश को आजाद कराया, ओबीसी वाले जागो, राजा बनो, राजा इनसे सत्ता छीनने का काम करो, 52% तुम देश के मालिक हो, सारे लोग समझे, लेकिन ओबीसी वालों तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा। मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, इनकी चाल को समझो, आप चल लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है नखलऊ बेंच, उस नखलऊ बेंच ने जो ओबीसी का उस निकाय में जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो खत्म कर दिया है, उनका जो सीट थी रिजर्वेशन एज वो खत्म कर दिया, ये बहुत ही गलत हुआ है, और ओबीसी वालों के साथ में सरासर बहुत ही, मतलब मैं ये क्या कहूँ, उनके साथ में लूट की गई है, और सरकार इसमें केवल उनके आंसू पहुँचने का मात्र काम कर रही है। माँ अब बताइए, लड़ाई है ओबीसी वालों की, और अपील में जा रहे हैं मिश्रा पांडे जो भी जा रहे हैं, मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट, सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि सरकार के द्वारा ही ये खत्म करवाया गया है कि मंत्र तू पढ़ और बिल में मैं डालूंगा, उस वाली बात है, पर पिछड़ों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, पिछड़े जो 52% है, जिस देश की जनसंख्या ओबीसी जिसे बोलते हैं हम, हमारे जो भाई है, वो देश में भारत में 52% उनकी जनसंख्या है, और जिस कंपनी में या जहां भी 52% शेयर होते हैं वो वहां का मालिक होता है, और हमारे ओबीसी भाई मालिक को छोड़ो, जो उनके हिस्से का है, जो उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल पा रहा है, उनका देखो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में उनका कहीं भी कोई रिजर्वेशन नहीं, सारी विधानसभाओं, विधान परिषदों में उनका कोई रिजर्वेशन नहीं, यानी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जीरो के बराबर, जीरो है उनका, कहीं उन्हें नहीं मिला। अब बात आती है निकाय की, जो ये नखलऊ बेंच ने खत्म किया है, अब इनका भी ये सिस्टम खत्म कर दिया, कम से कम पहले अपने रोटेशन सिस्टम तो था कि ग्राम प्रधान जो होते थे, अब की बार ओबीसी में आ रही है, अब की बार एससी में आ रही है, अब की बार जनरल में, तो ये सेम यही कंडीशन यहां थी निकाय चुनाव में, जो नगरपालिका चुनाव में जो शहरों में हुआ है उसमें भी यही थी कि एक बार ओबीसी, एक बार एससी और एक बार जनरल, तो वो रोटेशन सिस्टम जो था, तो ये जानबूझकर ओबीसी भाइयों को झटका दिया गया। लेकिन मेरे ओबीसी भाई आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके साथ में आपके हिस्से की जायदाद की लूट की जा रही है, आय के जितने भी साधन है आपके हिस्से के वो चंद लोगों ने समेट के बैठ गए, और आप केवल घंटा बजाने के लिए हिंदू बना दिए गए हो मात्र, आपके हाथ में कोई पावर नहीं दी गई है, ना ही आपको कोई हेड बनाया गया है, आप केवल दड़ी उठावा बनकर रह गए हो। आप समझो आपके पूर्वजों ने, आप अपना इतिहास सुनो, इतिहास पढ़ो, इतिहास निकालो, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बनाना नहीं जान सकता। बाबा साहब ने कहा था कि उसके उसको समझने के लिए जो उनके साथ चाल की जा रही है उसको भी उस शिक्षा की जरूरत है, तो ये शिक्षित बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, इनके साथ में जो लूट की जा रही है इनके हिस्से की वो सरासर गलत है। मेरे भाइयों तुम इनकी चाल को समझो, 90% तुम्हारे हिस्से की संपदा और आय के साधन ये सारे 10% लोगों ने मात्र ये खींच कर रख दिए हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे, केवल मात्र आपके ऊपर मोहर लगा दिए कि आप हिंदू हो, हिंदू आप हिंदू नहीं हो, आप जो हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था है उसमें आप कहीं नहीं आते, आप ना ब्राह्मण,
है ना क्षत्रिय ना वैश्य, आप शूद्र में आते हैं, शूद्र पिछड़े में आते हो आप समझो, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की बात की जा रही है साथियों। और सरकारें अब आपके आंसू पोंछने का काम कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील में, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है साथियों। भाई हिंदी क्यों आवाज उठा रहे लगातार? मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू मत बनाओ, हिंदू के साथ साथ उन्हें पावर दो ना। मंदिर किसने बनाए? दलितों ने बनाए, रिजर्व कैटेगरी वालों ने बनाए मंदिर है, जितने मंदिर बन रहे हैं उन्हें पूजा कौन करता है? कोई ओबीसी का आज तक तुमने पुजारी देखा है? किसी भी शादी में मैंने आज तक शादी में फेरे डलवाता, कर्मकांड करता कोई भी, मैंने जितने भी वेद पाठ होते हैं उनमें केवल मात्र 3% ब्राह्मण है, वो ही काम करता है। कहीं भी ओबीसी वाला मैंने आज तक वहां कोई भी कर्मकांड करता या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए ओबीसी वाला पूजा करने के लिए नहीं है। लड़ाई आप लड़ो, अब निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया, उसकी भी लड़ाई SC ST हम इसलिए लड़ाई रहे हैं, क्या करेंगे हम, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। एक भाई को दूसरे भाई का यदि नंबर आया तो कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, इसलिए हमें उनसे प्यार है, हमारे भाइयों को हम समझाने का काम करते हैं। तो आरक्षण का विरोध करते हैं वो गलत करते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है कितना विरोध, वो बिल्कुल गलत करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पिछड़े भाइयों समझो इनकी चाल को, मैंने आपको संविधान में फिर भी प्रोविजन करके जा रहा हूं मैं, जब बाबा साहब कह कि आपके लिए अलग मैं वो बनाता हूं तो इन्होंने मना कर दिया था। ओबीसी जनरल वालों ने बहकाया था कि तुम्हें अंबेडकर जी जो हैं वो तुम्हें शूद्र बनाना चाहते हैं, आप शूद्र मत बनो, तो वो शूद्र के चक्कर में इनका अधिकार खत्म कर दिया गया। इसलिए ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब उसी समय दे रहे थे जिस समय हमें SC को दिया था। 131 पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं जाते हैं ना, ST भी जाते हैं ना, ऐसे 1066 MLA जाते हैं ना, MLC जाते हैं ना, ओबीसी वालों का क्यों नहीं जाता? क्योंकि ओबीसी वालों ने उस समय विरोध किया था, बाबा साहब रिजर्वेशन को लाना चाहते थे। तो तमाम विरोध करते हैं ना, देखिए वो गलत है, उन्हें नॉलेज नहीं है। जो पढ़े लिखे हमारा समाज है ओबीसी भाई वो समझता है अच्छी तरह, उनके साथ में बहुत धोखा किया जा रहा है, उन्हें मात्र मोहर लगा दी गई है कि आप हिंदू हो, आप वास्तव में हिंदू नहीं हो, आप उनके मात्र एक नौकर चमचा बनकर रहे, दड़ी उठाने वाले, उनकी उसमें झंडे को लेने वाले, मरने वाले तुम, गाली कलौज खाने वाले तुम, आतंकवादी तुम घोषित कर रखे उन्होंने, उनकी लड़ाई तुम लड़ते हो, मंदिरों की लड़ाई तुम लड़ते हो, देवी देवताओं की लड़ाई तुम लड़ते हो, मिलता कुछ नहीं है तुम्हें, तुम्हारे हिस्से की सारी मलाई को मार के खा गए हैं वो जितने भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपका रिजर्वेशन भी देख लो खत्म करा दिया आराम से यूपी में, और कहां जबकि बीजेपी की सरकार चल रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकार चल रही है आप देख लो, बीजेपी तो एक्शन लेने के लिए तत्काल एकदम से देखे कमेटी आयोग बना दिया। हाँ, तुरंत मिनट से तो कमेटी आयोग से क्या होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जब हम तो जब जाना योगी जी को सुप्रीम कोर्ट से इस रिजर्वेशन को बहाल करवा के लाएं, तो हम समझेंगे हाँ भाई बीजेपी सरकार ओबीसी वालों के सारा काम योगी जी करें, पिछले कुछ ना करें, क्या योगी जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उनके स्टेट में रिजर्वेशन को खत्म किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने, उतर गए थे सड़कों पर आपके, हम तो इसलिए हम जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे मात्र एक SC ST Act को कमजोर किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, सारे SC बिना किसी एक लीडरशिप के अंदर सारे के सारे सड़कों पर आ गए थे, रोड पर आ गए थे, और सरकार को झुकाया, और सरकार ने फिर वही एजिटेज कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट के पास होने के बाद। सरकार में पावर है, यदि योगी जी चाहें तो सेंटर अपने स्टेट में उन्हें स्पेशल एक्ट बनाकर ओबीसी वालों को वहां रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे? तो क्यों दिखावा कर रहे? नेता भी तो नहीं आवाज उठा रहे, वो भी तो नहीं बोल रहे, वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें उनके हिस्से की मलाई मिल चुकी है, उन्हें खाने को मिल रहा है प्रॉपर, कि आप तुम दूसरों के हिस्से की आवाज मत उठाओ, केवल अपने हिस्से की आवाज उठाओ, इसलिए नुकसान हो रहा है। एक को कुछ दे दिया, 100 आदमियों का हिस्सा लूट के उन्होंने खा लिया, सारी कहानी है। पिछले मंदिर में घंटी बजाएंगे, बिल्कुल बजाएंगे, जितने भी पिछड़े हैं उनको सारे दिन नुकसान किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उनके हिस्से की सारी जायदाद, सारी इनकम के साधन, सारे इंस्टीट्यूट। अच्छा एक बात बताइए, यूपी में ओबीसी के कितनी तो वो हैं समितियां हैं बनी हुई हैं, जो मंडी समिति ये समिति वो समिति, दुनिया भर के आयोग बने हुए हैं, किस ओबीसी वाले भाइयों को इन्होंने चेयरमैन बना रखा, किसको गृह सचिव बना रखा, किसको इन्होंने क्या बना रखा, ओबीसी वाले को कुछ नहीं दिया, केवल हिंदू की मोहर लगा दी है कि आप हिंदू हो केवल। आप बताइए कि जब वो ओबीसी वाले बेचारे नखलऊ में जाकर हमारे योगी जी से नौकरी मांगने का काम करते हैं तो यही सरकार उन पर लठ बजाने का काम करती है, और जब वही ओबीसी वाले जब कावड़ सावन के महीने में कावड़ लेके आते हैं तो यही योगी जी सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बिखेरने का काम करती है। तो इसका मतलब ये कि अंधकार में खुद झोंकना चाह रही है ये सरकार कि तुम पढ़ो लिखो मत, तुम जागरूक मत हो, तुम नौकरी मत मांगो। और इस तरह की देखो कमाल की बात ये देखो कि जब देखते हैं कि ओबीसी सरकार ओबीसी के बल पर हम जीत रहे हैं, हम बार बार इलेक्शन जीत के आ रहे हैं ओबीसी के बल पर आ रहे हैं, क्योंकि 52% यदि साथ छोड़ दे आज तो आज बीजेपी की सरकार खत्म हो जाए, ये 52
परसेंट ही तो बीजेपी की सरकार, खुद राजा बनने में जोर पड़ रहा है ओबीसी वालों को। हमारे उसमें गौतम बुद्ध नगर में एक सीट है उसकी लोकसभा की, उस पर पंडित मात्र 3% है, सारा इलाका गुजरों का, महेश शर्मा को देख लो वहां वो बना रखा है एमपी, सांसद बना रखा है, इन गुजरों पर खुद वहां का ना एमएलए बना जा रहा ना इन गुजरों पर वहां पर खुद एमपी बना जा रहा, तो मूर्ख कौन है बताइए? ओबीसी वाले मूर्ख है, तो मूर्खों के साथ तो मूर्खों की जो जनता जो संपदा होती है उसकी ऐसी लूट होती है। काउंसलर चेयरमैन हम नहीं बन पाए, कुछ नहीं, ना काउंसलर बने ना चेयरमैन बने ना प्रधान बने, आने वाले समय में आप प्रधान ना बनोगे, समिति के अध्यक्ष भी ना बनोगे, कुछ ना बनोगे, इसलिए जागरूक हो जाओ। मैं तो आपके चैनल से ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ओबीसी वालों भाइयों, रोड पे आओ एससीओ की तरह, जैसे 2 अप्रैल का कांड करा था एससीओ ने, रोड पे आके अपनी आवाज बुलंद करो, एजिटेशन करो, धरना करो, डीएम को घेरो, अपने एमपी जो तुम चुन चुन के भेज रहे हो उन्हें, एमएलए इनको घेरो, उनके घर में जाओ, बंद कर दो उन्हें पूरी तरह से साथियों, तब जाके आपकी आवाज सुनाई देगी। यहाँ आओ, रेलवे लाइन बंद कर दो, जितने भी आपके आय के साधन है सब छीनने की कोशिश करो साथियों, जब जाके आपकी आवाज बुलंद होगी, नहीं तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा साथियों। तुम्हारे साथ पूरी तरह से लूट की जा रही है, रिजर्वेशन खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई। अखिलेश यादव ट्वीट कर तो रहे हैं कि अभी पिछड़ों का आरक्षण खत्म हुआ, फिर नंबर एससी एसटी का है, बिल्कुल नहीं आएगा एससी एसटी का, इसलिए ना एसएससी का प्रोविजन बाकायदा बाबा साहब को उसको कॉन्स्टिट्यूशन में करके गए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करना पड़ेगा, पहले राज्यसभा में पास हो, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उसे पास करेगा, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। जो बाबा साहब ने जो करके गए थे एससी एसटीओं को, उसी की वजह से एससी एसटी आज ऊपर आ रहे हैं, ओबीसी वालों ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बाबा साहब 340 बना के गए थे ओबीसी वालों के लिए, लेकिन ओबीसी वाले फिर भी समझ नहीं रहे, केवल हिंदू की मोहर लगी हुई है। और सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने वाला ओबीसी है, क्योंकि अनपढ़ आदमी कुछ जानता है नहीं, इसलिए मेरे साथियों पढ़कर देखो, जो अपना इतिहास जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है, इनके पूर्वज ज्यादा जागरूक थे, आज का जो ओबीसी है वो जागरूक नहीं है। देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा ओबीसी वालों का हाथ था, राजा ओबीसी वाले थे सबसे पहले जितने भी थे। अरे अपने पूर्वजों की तो कम से कम शर्म करो, जिन्होंने देश को आजाद कराया, तुम ऐसे कैसे लूटने दोगे अपनी 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 संपदा को, ऐसा कुछ लूट जाने दोगे, अपने अधिकारों को ऐसे खत्म कैसे हो जाने दोगे, तुम्हारा अधिकार खत्म किया जा रहा है, तमाम पिछड़े हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर, और कमाल की बात तुम्हारे साथ ये चाल की जा रही है कि सरकार खुद तो खत्म नहीं कर रही, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपके अधिकारों को खत्म करवा रही है साथियों, और आपके आंसू पहुंच रही है, पीछे अपील में जाएंगे हम, मोदी सरकार योगी सरकार अपील में गई हुई है साथियों, बहाना है केवल कि मंत्र तूपड़ बिल में हाथ में डालूंगा, अल्टीमेटली आपका पूरी तरह से नुकसान करना है साथियों। जागो ओबीसी वाले, जागो राजा बनो राजा, इनसे सत्ता छीनने का काम करो, 52% तुम देश के मालिक हो, जनसंख्या के आधार पर एक हो जाओ, और देश में अपना प्रधानमंत्री, अपना गृह मंत्री, अपना रक्षा मंत्री, और अपने अपने हिसाब से सत्ता को चलाओ साथ। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तमाम पिछड़े देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो थी वो भी पिछड़े निकली, हाँ मालेगांव में जो बम विस्फोट हुए थे उसमें वो अभियुक्त है, उनका उनका करेक्टर खुद से हो रहा है, बताइए आप, जो अभियुक्त है और जेल में रह के आई है, और उसे बीजेपी की ऐसी मशीन दी है जिसमें जाके अपना भगवा पहनाया और वो बना दी एमपी, वहाँ से भोपाल से एमपी, आज की डेट में उल्टे सीधे स्टेटमेंट देती रहती है, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद लाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, हर जगह हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उससे करने से इनसे पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है, 2024 में इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, तो ये वहाँ बेनिफिट लेना चाहते हैं हर चीज को, अब लेना चाहते हैं, हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक नहीं कर रहे, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि अपनी तलवारों को या छुरियों को पहना के रख लो अपने घर में, अरे जिन मुसलमानों की बात कर रहे हो वो तुम्हारे दामाद है, सबसे ज्यादा जिसकी पठान के अभी विरोध हुआ था, पठान के घर में कौन है, पंडतानी है ना गौरी, बताइए, और जो जिसने बिकनी पहनी है वो पादुका कौन, वो भी पंडतानी है, अरे तुम कौन हो भाई, ओबीसी वाले घंटा बजाने वाले हो, तुम पर तुम्हारे बुद्धि पर पर्दे पड़ गए हैं, तुम्हें क्या लेने देना फिल्म से यार, उससे बताइए आप तुम्हारा क्या मतलब है उससे, फिल्म सेंसर में वो बीजेपी वाले बैठे पास करने वाले, जो चलाने वाले हैं वो पंडित, तुम क्या ले रहे हो भी वहां, तुम्हारा क्या बट रहा, अरे तुम भूखे नंगो, तुम्हें कंगाल कर दिया इन्होंने, तुम्हारी इनकी सोच ने तुमको, तुम्हें बर्बाद कर देना है, तुम्हारे अधिकारों को छीन छीन के रक्षा कर रहे हैं ना, भगवा की रक्षा, क्या भगवा की रक्षा कर रहे हो ऐसे, भगवा जब एमपी मनोज तिवारी उसे ओढ़ के भगवा को जो डांस कर रहा है बीआरपी के उस गाने पे, और इनके जितने भी नेता हैं और जो भी है वो कुछ भी करे जाए तो कोई परेशानी नहीं है साथी, कि जितने भी मोमडनों के पीछे पड़े हुए हैं ये पूरी तरह से केवल सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, 18% मोमडन और 82% हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है साथियों, कैसे खतरे में है साथियों, ये केवल इनकी चाल है, ये इनकी चाल को केवल समझा है एससी, समझा है एसटी, समझा है मोमडन, समझ गया माइनॉरिटी, समझ गए सिख, समझ गए सारे लोग समझ गए, लेकिन ओबीसी वालों तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, इनकी चाल को समझो आप, चल लो, तुम्हारे अधिकारों को खा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें केवल आगे कर देते हैं, हिंदू हिंदू तुम लड़ने का काम तुम करते हो, अरे तुम्हारी सारी संपदा इन्होंने खत्म कर दी, तुम्हारे अधिकार खत्म कर दिए, तुम्हारे
और पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया इन्होंने, बताओ। खुद सरकार नहीं कर रही, हाई कोर्टों के थ्रू करा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है नखलऊ, वहाँ के जज साहब ने तुम्हारा, अब तुम कुछ ना बनोगे, कर लो क्या करो, और यदि तुम्हें कुछ करना है तो आवाज़ उठाओ साथियों। तो साथियों मैं कह रहा हूँ, उनकी चाल को समझो साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।